एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पिछले 16 सालों से महाराष्ट्र के अंदर प्रयासरत है, प्रयत्नरत है, जद्दोजहद कर रही है। अलग अलग मुद्दों पर हमने महाराष्ट्र में सैकड़ों आंदोलन खड़ा किए, जिसमें राइट टू फूड भोजन का अधिकार है, राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के अंदर ही हमने कर लिए। अभी नहीं करे, जब पहला चरण था सितंबर के अंदर, तो उस वक्त में तकरीबन हमने 122 आमदारों को और महाराष्ट्र के अंदर 9 खासदारों को लेटर भी दिए थे और राज्यपाल को भी लिखे थे। अब आगे का ये है कि आवाम में जाकर कामगारों के मसाइल हैं और बंधुता भाईचारा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग आंदोलन इसने सैकड़ों पिछले 16 सालों में खड़ा किए। आज आप लोगों के बीच में आने का वजह और कारण कि पूरे महाराष्ट्र में हम दौरे पे हैं। मैंने अभी पूरा विदर्भ का और खानदेश के 2 जिले करते हुए मराठवाड़े के आज से मैं 5 जिले कर रहा हूँ, जिसमें हम पत्रकार परिषद के जरिए से अपनी आवाज को हुकूमतों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी बड़ी आवाज के जरिए से, कि ये जो काला कानून 5 जून 2020 को महाभयंकर महामारी के बीच में केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन में 3 ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाकर, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अध्यादेश उस समय में लाया जाता है जब शासन प्रशासन की बात लोग नहीं सुनते, विद्रोह होता है। लेकिन ऐसे समय में लाया गया जब सब खैद थे, संसद बंद थी, रात के अंधेरे में 5 जून को लाकर ये 3 कृषि कानून संशोधन के साथ में, कमीन के साथ में, इसको राष्ट्रपति की दस्तखत से, हस्ताक्षर से पास कर लिया गया। और पहले हफ्ते से सितंबर के मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजे वो संगठन है जिसने पहले दिन से इसकी घोर निंदा की। राष्ट्रपति महोदय से हमने ये मांग की कि ये तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। दिसंबर 2004 को पूरे महाराष्ट्र के तहसीलों में, जिलों में, फिर हमने निवेदन, छोटे छोटे धरना, आंदोलन, प्रदर्शन हमने किए और फिर राज्यपालों के माध्यम से, देश की सरकार से, राष्ट्रपति जी से हमने मांग की कि ये बिलों को वापस लिया जाए। अभी साफी हजरात से गुफ्तगू कर प्रेस मीट, पत्रकार परिषद के माध्यम से फिर हम ये मांग कर रहे हैं कि आप गौर कीजिए कि 1955 के अंदर भंडारीकरण यानी जमाखोरी के विरोध में कानून आया था और फिर 2020 में लाया गया जिसमें जीवन आवश्यक वस्तु, जुरियाती जिंदगी, तलहन दलहन, दालें, तेल, आलू वगैरह, इन सबको जीवन आवश्यक वस्तु से निकाल दिया गया है। यानी कि इसकी ओपनली इजाजत दे दी गई कि आप भंडारीकरण यानी जमाखोरी कर सकते हैं। इसकी सीधी सीधी मार भारत के आम जन पर, आम आदमी पर, और महंगाई इंडिया को पहुंचने वाली है, गरीबी बढ़ने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। और ये कानूनों के जरिए से अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति वो बहुत मुतासिर होने वाला है, क्योंकि जो आज अनाज राशन के जरिए से 2-3 रुपए किलो से मिल रहा है, वो भविष्य में, मुस्तकबिल में, कुछ सालों के बाद आप और हम देखेंगे कि वो 60 रुपए, 80 और 100 रुपए किलो मिलेगा और सरकार हमारे अकाउंट में 20 रुपए किलो से पैसे डालेंगे और ओपन मार्केट में जब आप जाएंगे तो वो 100 और 70 और 80 रुपए किलो रहेगा। तो हम ये मानते हैं कि इसका असर अब आम आदमी पे पड़ रहा है। देरी से क्यों ना हो, अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। आप गौर कीजिए कि वो किसान जिसके सर पे छत नहीं होती और वो पानी की दुआ करता है ताकि वो अन्न उत्पन्न कर सके, आज 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है,
हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप बिलों को वापस ले लीजिए। साथियों, पीडीएस को खत्म करने की इसके जरिए से पूरी योजना है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन व्यवस्था है। आज आप लोगों को जमा करके जो बात हम, जो मांग हम करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र हुकूमत से जो तीन दलों की सरकार है, उसके मंत्रीगण सिर्फ हमदर्दी बता रहे हैं किसानों के प्रति, बिल का विरोध कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि ये सहानुभूति, ये हमदर्दी, ये कोई काम की नहीं है। आप उस धरती पर झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल की सरकारों ने जिस तरीके से अध्यादेश लाकर इस बिल को निप्रभावी बेअसर किया है, तो हम महाराष्ट्र की हुकूमत से आज की बड़ी मांग यही कर रहे हैं कि वो ऐसा कानून लाए और ये तीनों कानूनों को बेअसर करे। दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि कानूनी गारंटी, जिसके लिए वो डटे हुए किसान हजरात, देश के किसान, देश की धड़कन, ये राज्य का मसला है, रियासत का मसला है कृषि, तो उसके लिए राज्य सरकार सक्षम कानून लाए और एमपीजे चरणबद्ध तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन को खड़ा करेंगी। गणतंत्रिक मार्ग से, संविधान की सीमाओं में रहते हुए पूर्ण तरीके से, जब तक के ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, एमपीजे के अवेयरनेस प्रोग्राम कई हजार नुक्कड़ सभाओं का हमने तय किया है। लॉकडाउन के कारण बहुत गति से हमारा काम चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर 144 लगा दी गई है। हम नुक्कड़ में, मोहल्लों में, बस्तियों में, कस्बों में जाकर लोगों में अवेयरनेस पैदा कर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस लेने की आगे हमारी योजनाएं हैं और मांग हम करेंगे पूरा मन तरीके से कि भाई इसको वापस लिया जाए। ज्यादा जिद अच्छी नहीं है, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, तो हम मरकज की हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि कानून वापस ले और हम रियासत राज्य की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो बिल पारित कर ये तीनों कानूनों को बेअसर करे। धन्यवाद। आपके अगर से कुछ